तो दोस्तों जी, हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। और HDFC बैंक के अंदर आज आपको यहाँ पर 1 से 1.5% के अराउंड की एक नेगेटिव क्लोजिंग, और नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका है एक ब्रेकडाउन। और इसी ब्रेकडाउन के चलते यहाँ पर अब HDFC बैंक मार्केट को ड्रैग करने के लिए तैयार है। अब देखना आपको यहाँ पर जो मार्केट है वो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रिलायंस IT स्टॉक्स के अंदर स्ट्रेंथ है, और सामने यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर का हैवी वेट है HDFC बैंक, उसके अंदर हमें यहाँ पर जो है वो वीकनेस डेवलप होती हुई देखने को मिल रही है। मैंने कहा भी था 1625 के नीचे जो भी यहाँ पर विश करता है वो HDFC बैंक को शॉर्ट सेल कर सकता है। ब्रेकडाउन यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ से जो फॉल है वो HDFC बैंक के अंदर कहाँ तक का आएगा? ऑलमोस्ट 1580 तक का, ठीक है। 1580 से लेकर 1580 तक का फॉल आएगा, और अगर वो लेवल ब्रेक हुआ तो सीधा सीधा आपको 1540 तक का भी फॉल देखने को मिल सकता है। बाइंग अभी आपको नहीं करनी है, एक बार थोड़ा सा और एक करेक्शन आ जाने, तो थोड़ा सा नीचे स्टॉक अगर आ जाता है तो हम डेफिनेटली यहाँ पर अगेन बाइंग करेंगे।